दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसमें से गाइस पहला मैच खेला गया और ऐसे में दोस्तों पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की। और गाइस इस वक्त आपको बता दें कि सभी अंग्रेजी खिलाड़ियों की नज़र हार्दिक पांड्या पे गड़ी हुई है, क्योंकि दोस्तों पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने कारनामा करके दिखाया, जो गाइस सभी भारतीय फैंस को उनसे हमेशा उम्मीदें रहती हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा T20 मुकाबला जो कि गाइस 9 जुलाई को खेला जाएगा, और ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड मैच के पहले यहाँ पर हार्दिक पांड्या को बहुत ही बड़ी धमकी मिली है, बहुत ही बड़ा चेतावनी मिला, बहुत ही बड़ा चैलेंज मिला। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसने हार्दिक पांड्या को चैलेंज किया, तो गाइस आप लोग इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। दोस्तों अगर आप लोग भी क्रिकेट से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपना दूसरा T20 मुकाबला कल यानी 9 जुलाई को खेलेगी, और ऐसे में गाइस आपको बताना चाहूँगा अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतेगी तो सीरीज अपने नाम कर लेगी। आपको पता है कि पिछले मुकाबले में अंग्रेजी खिलाड़ियों को बुरी तरीके से मात मिली, और ऐसे में आपको बता दूँ कि अंग्रेजी कप्तान जॉस बटल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम की तरफ से काफ़ी गलतियाँ हुई, लेकिन हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हर दिन हर एक खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, और ऐसे में सेकेंड मैच में हमारी टीम ज़रूर इस मैच को जीतेगी, और मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या कुछ खास अपने टीम के लिए सेकेंड मैच में कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई खिलाड़ी अपने टीम के लिए अच्छा कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका मात्र एक ही दिन है, क्योंकि गाइस आपको पता है अगर किसी भी खिलाड़ी का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा है तो आगे चलकर भी अपने टीम के लिए बेहतरीन कर सकता है। और यही नहीं गाइस आपको बता दूं कि हार्दिक पांड्या ने स्टेटमेंट दिया है कि सामने T20 वर्ल्ड कप है, व्हाइट बॉल में टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा करना चाहता हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय टीम जो कि इस वक्त काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर ऑलराउंडर की उनको ज़रूरत है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरी नज़र पूरी तरीके से T20 वर्ल्ड कप है, इसीलिए मैं पूरी तरीके से अपने अंदर वो खूबियाँ ला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ताकि हमारी टीम को इससे मदद मिल सके। दोस्तों दूसरे मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।